जय गंगे माता। दोस्तों, सुबह के इस समय 6:30 बजे हैं और मैं पहुंच चुका हूं हर की पैड़ी में। आज रविवार का दिन है और आप सभी को हम लेकर चलते हैं हर की पैड़ी में और दर्शन कराएंगे। आज मैं सुबह आया हूं ताकि सुबह के दृश्य देख सकें और आपको भी दर्शन करा सकें। आज सुबह ही बहुत ज़्यादा श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं और देखकर एक तरह से आश्चर्य होता है कि इतने सुबह सुबह इतने ज़्यादा श्रद्धालु हर की पैड़ी में पहुंच चुके हैं। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, 8 मई को सुबह सुबह आप सभी हर की पैड़ी के ताज़ा दर्शन कर रहे हैं। 6:30 बजे के आसपास का समय है और देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करने के साथ आगे शेयर ज़रूर करें। बहुत दिनों के बाद सुबह के समय मैं हर की पैड़ी में आया हूँ। आमतौर पर आप 10 बजे के आसपास के ज़्यादा दृश्य देखते हैं। अच्छा हुआ आज मैं सुबह आया, काफ़ी अच्छा लग रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दोस्तों, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 1-2 घंटे बाद तो यहाँ पर इतने ज़्यादा श्रद्धालु पहुँच जाएंगे कि सभी घाट फुल हो चुके होंगे, क्योंकि अभी ही लगभग काफ़ी हद तक घाट फुल हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आप इसी तरह लगातार माँ गंगे के दर्शन करना चाहते हैं, यात्रा से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, मैं आपको एक ख़ास बात और बताना चाहूँगा। कल यानी 9 मई को गंगा सप्तमी का दिन है। उस दिन गंगा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो उसकी तैयारी भी हो चुकी है। ब्रह्मकुंड घाट में देख सकते हैं टेंट लगा दिया गया है और इस बार तो और भी ख़ास जो गंगा जी का जन्मोत्सव है वो मनाया जाएगा। हर की पैड़ी में प्रोग्राम भी होगा, आप सभी शामिल हो सकते हैं, जागरण होंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करने के साथ आगे शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज भी जो जल है वो कल से कहीं ज़्यादा आज रेत की मात्रा बढ़ चुकी है और ऐसा शायद यही कारण है कि पहाड़ों में आजकल बारिश हो रही है, तो जल में रेत की मात्रा बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप देख सकते हैं जो कुछ दिन पहले शीशे की तरह बिल्कुल क्लियर जल दिखाई देता था, आज इसका जल देखो
ब्राउन या कह सकते हैं पीला हो चुका है। आप सभी मनसा देवी मंदिर को देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं सामने की ओर आ चुका हूं जहां पर माँ गंगे की चौड़ी धारा है। आप देख सकते हैं सूरज की किरणें जल में पड़ती हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य निकल कर सामने आते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।